अब देखो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कम्युनिटी में क्या चल रहा है। आप सभी को पता होगा ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। इस वीडियो में कोई इंट्रो नहीं होगा, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देखो गाइस, अगर आप क्रिएटर हो या क्रिएटर बनना चाहते हो ना, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर आप भी फ्री फायर वीडियो बनाने का सोच रहे हो तो। क्योंकि फ्री फायर के एम्प्लॉइज ने काफी गलत चीज बोली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा ऋतिक भाई की क्लिप, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हमारा फ्री फायर इंडिया 5 सितंबर को आने वाला था, पर कुछ रीजन की वजह से वो पोस्टपोन हो गया कुछ हफ्तों के लिए। पर कुछ हफ्ते कब साल में बदल गए पता ही नहीं चला। पर अब फ्री फायर वालों को बहुत हो चुका है, इतना चूतिया बनाना ठीक नहीं है। इन्होंने कुछ हफ्ते बोला था, पर भाई यहाँ पर एक साल हो चुकी है ऑलमोस्ट फ्री फायर को पोस्टपोन हुए, ना ये कोई रिप्लाई देते हैं। भाई और दूसरे गेमों में यार कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है वो तुरंत रिस्पांस देते हैं आकर, पर भाई फ्री फायर वाले यार कुछ भी रिप्लाई नहीं देते, कुछ भी जवाब नहीं देते। बाकी सारी चीजें तो उन्हें दिख रही है, सबकी रिप्लाई दे रहे हैं कमेंटों में, पर भाई ये चीज नहीं दिख रही है, टॉपिक ने नहीं दिख रहा। भाई ये जो हमारी फ्री फायर कम्युनिटी के बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, तो कुछ नहीं दिखता पैसों के अलावा। ये बिल्कुल बिके हुए हैं, तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना। पर हमारे ऋतिक भाई ने आवाज उठाई है, तो आप सारे मिलकर सपोर्ट करो, अपनी इंडिया की पावर दिखा दो की बार, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। और मैं तो कहता हूँ फ्री फायर के एम्प्लॉइज की बार जरूर हटने चाहिए, क्योंकि भाई इतने बेकार एम्प्लॉई है, इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। क्योंकि भाई जिनकी वजह से इनका गेम चल रहा है, भाई उनको ये कुछ नहीं समझते, अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, क्रिएटर से बड़ा अपने आप को समझते हैं। और क्रिएटर इनकी नजरों में क्या है ना, वो ऋतिक भाई के मुंह से सुन लो। ब्रो ये एम्प्लॉइज की सोच इतनी गंदी है कि हमारा कभी कुछ आगे हो ही नहीं सकता। क्योंकि गाइस एक बार ना मैं रियल किस्सा बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इनके पास गया था, इनको मैं बोला था भाई बाकी गेम्स के क्रिएटर्स देखो भाई उनकी क्या वैल्यू है, क्या है तुम्हारे गेम के क्रिएटर्स देखो भाई, ठीक है। इनका क्या आंसर था, ठीक है, हम नहीं चाहते हमारे क्रिएटर्स आगे बढ़े, क्योंकि कल तो उठ के वो किसी और गेम पे चले गए तो हमारा लॉस हो जाएगा, ये इनकी सोच है। भाई मैं तो कह रहा हूँ, ये जब किसी के बारे में नहीं सोचते तो हम इनके बारे में कैसे सोचेंगे, इन एम्प्लॉइज के बारे में। भाई मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप भी फ्री फायर का क्रिएटर बनने की सोच रहे हैं तो भाई थोड़ा देख कर ही सोचना। अब फ्री फायर की रेटिंग कम हो रही है तो भाई फेक रेटिंग भी बाय कर रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर की टीम को भी तो दिखाना होगा ना, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। बाकी हम सभी को एक साथ मिलना होगा तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि फ्री फायर के एम्प्लॉइज और बड़े बड़े यूट्यूबर ऑडियंस को सी समझते हैं। बाकी गेम के अंदर स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, फ्री फायर इंडिया नहीं आ सकता, पर गेम के अंदर टॉप अप हो सकता है, इवेंट भी आ सकते हैं, कोलेबरेशन भी हो सकते हैं, इनके सूट्स भी हो सकते हैं, बाकी सब हो सकता है पैसा कमाने के लिए, पर भाई गेम नहीं आएगा। जब तुम्हारे को गेम लाना ही नहीं था तो तुमने 5 सितंबर की डेट दी ही क्यों थी। मैं तो कहता हूँ भाई टॉप अप एकदम बंद कर दो और हैशटैग चले दो, हैशटैग नो टॉप अप, वी वांट फ्री फायर इंडिया। हमारे को फ्री फायर इंडिया चाहिए, नहीं तो रिप्लाई चाहिए। भाई कब आने वाला है, कुछ डेट तो बताओ, कुछ आसपास बताओ भाई, कुछ स्टेटमेंट तो कम से कम। तो बस गाइस मैं तो इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा, बाकी जो आपको करना है वो कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर पर 1 की रेटिंग दे देना, मैंने तो पहले दे दी है। बाकी हो सकता है डिलीट भी हो जाए, क्योंकि फ्री फायर के अगेंस्ट वीडियो हो सकता है इस पर स्ट्राइक आ जाए। तो चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।